एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हायर स्टाइल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ आईलाइनर से रिलेटेड, जिसमें कि आपको कौन सा आईलाइनर लगाना चाहिए अगर आप बिगिनर हैं, और अगर आपको आईलाइनर अच्छे से लगाना आता है तो आपको कौन सा आईलाइनर यूज़ करना चाहिए। बेसिकली ये पूरा वीडियो आईलाइनर्स के ऊपर होने वाला है। सबसे पहले हम आईलाइनर की बात करते हैं। आईलाइनर कितने टाइप के होते हैं? आईलाइनर आपके तीन टाइप के आईलाइनर होते हैं, जिसमें आपका पहला आईलाइनर होता है मैट आईलाइनर, फिर आपके ग्लॉसी आईलाइनर आते हैं, फिर आपका एक जेल आईलाइनर आता है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको मैट आईलाइनर से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मैट आईलाइनर लगाना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। मैट आईलाइनर में एक अच्छी बात यह होती है, अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आप कॉटन से उसको ईजीली रिमूव करके ठीक कर सकती हैं। दूसरे आईलाइनर आते हैं हमारे ग्लॉसी आईलाइनर। अगर आप बिगिनर हैं तो आप ग्लॉसी आईलाइनर्स नहीं लेना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको तुरंत ग्लॉसी आईलाइनर्स लगाना स्टार्ट नहीं करना चाहिए, जब तक आपको परफेक्टली आईलाइनर लगाना नहीं आ जाता है। क्योंकि ग्लॉसी आईलाइनर में क्या होता है, जब आप ग्लॉसी आईलाइनर लगाते हैं, आपने एक बार ग्लॉसी आईलाइनर लगाया, आपसे कोई मिस्टेक हो गई, आपने दोबारा उसके ऊपर जब लाइनर लगाएंगे तो वो दोनों लेयर्स आपस में चिपकना शुरू हो जाती हैं और वो हटना शुरू हो जाती है, तो उसमें आपके पास गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ग्लॉसी आईलाइनर को अवॉइड करना चाहिए। बाकी आते हैं हमारा जेल आईलाइनर, लास्ट में आता है। जेल आईलाइनर का फिनिश बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर आप मैट और ग्लॉस आईलाइनर से कंपेयर करेंगे तो जेल आईलाइनर आपके ज़्यादा लंबे समय तक टिकते हैं, और इनका जो फिनिश होता है, लगभग जेल आईलाइनर और मैट आईलाइनर लगभग दोनों एक जैसे ही होते हैं। क्योंकि सबसे पहला आईलाइनर मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपको बजट का प्रॉब्लम नहीं है तो आप मेबलिन का जेल आईलाइनर चूज़ कर सकते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आईलाइनर है, उसमें आपको वन स्ट्रोक में बहुत हाईली पिगमेंटेशन मिलेगा और ये आपका काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी लंबे समय तक आपका चलता है। इसमें आपको बार बार रीअप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वाटर रेजिस्टेंट भी होता है ये, और ये आपका स्मच प्रूफ भी होता है, तो आपको काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक, अगर आप ऑफिस गोइंग हैं या फिर कॉलेज गोइंग गर्ल हैं तो आप जेल आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं, या क्योंकि जेल आईलाइनर आपकी आंखों पे काफ़ी देर तक टिके रहते हैं। कि ये जो मेबलिन का आईलाइनर है, इसकी कॉस्ट अराउंड 400 से 500 के बीच में है। बाकी आपका सेकेंड आईलाइनर जो है वो है आपका लैक्मे एब्सोल्यूट का, ये भी आईलाइनर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लंबे समय तक चलता है, ये भी मैट फिनिश का आईलाइनर होता है। लैक्मे का ये आईलाइनर ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये आपका अराउंड 6-7 आवर्स आराम से आपकी आंख पे एज इट इज लगा रहेगा। मैं ये दोनों आईलाइनर्स ट्राई कर चुकी हूँ, मेबलिन का भी एंड लैक्मे एब्सोल्यूट का भी, बट लैक्मे का जो आपका ये आईलाइनर है, ये काफ़ी लंबे समय तक आपकी आंखों पे एज इट इज़ वैसे ही रहता है। इसे आपको बार बार ही अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें आपको काफ़ी शेड्स मिल जाएंगे, जैसे कि ब्लैक, सिल्वर, गोल्डन एंड कॉपर कलर, एंड ग्रीन और ब्लू भी शेड आता है। आपको जो कलर पसंद हो आप उसमें परचेज कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट भी अराउंड 300-400 रुपीज़ होती है। बाकी अब हम बात करते हैं अफोर्डेबल आईलाइनर्स की, जो कि मेरे पास मैं आपको तीन अफोर्डेबल आईलाइनर्स के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपने अभी अभी आईलाइनर आपको सीखना है या आप स्टार्ट करा है आपने अभी अभी आईलाइनर सीखना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये एलेटीन का वाटर रेजिस्टेंट ब्लैक आउटलाइनर। इस टाइप की पैकेजिंग में आता है ये, और ये 75 रुपीज़ का है, और ये काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चलता है। अगर आप बिगिनर हैं, आपको अभी अभी सीखना है या फिर आप सीखना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप इस आईलाइनर को अप्लाई कर सकते हैं। ये मैट फिनिश में होता है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए मैट का आईलाइनर लगाना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है, और आपके लिए सीखने के लिए भी। इसका जो बॉटल है इस टाइप से होता है, और इस टाइप की ब्रश में आपको ये रिसीव होता है। इस टाइप की सी बॉटल है, काफ़ी अच्छी बॉटल है और पैकेजिंग भी अच्छी है इसकी, ट्रेवल फ्रेंडली है। अगर आप इस बॉटल को ले जाना चाहते हैं कहीं तो इजीली ले जा सकते हैं, ये खुलती नहीं है, अच्छी है बॉटल इसकी, अच्छी है पैकेजिंग, अच्छी है,
और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, सिर्फ 75 रुपीज की है ये, आपको किसी भी लोकल स्टोर पे या ऑनलाइन मिल जाएगी आराम से। बाकी हम सेकेंड आईलाइनर की बात करते हैं, ये है हाइपर ग्लॉसी मेबलिन का आईलाइनर है ये। जब मैंने इसको परचेज किया था, बहुत छोटी सी बॉटल है इसकी, इतनी सी अराउंड इतनी सी है, तो मैंने इसे रिसीव किया तो मुझे लगा यार ये दो बार में ख़त्म हो जाएगा लगा के, बट मैंने इसको 7-8 times ट्राई कर लिया है और अभी भी ये एकदम बराबर चल रहा है और अभी भी चल जाएगा आई थिंक। काफ़ी अच्छा आईलाइनर है, अगर आपको ग्लॉसी आईलाइनर चाहिए है और अफोर्डेबल रेंज में चाहिए, आई थिंक ये वाला आईलाइनर बहुत अच्छा है। ये अराउंड है आई थिंक ये आपको 250 या 300 के बीच में इसका प्राइस है। बाकी जो थर्ड आईलाइनर है वो मैट आईलाइनर है, मेबलिन का कोलोसल बोल्ड आईलाइनर। ये मैट आईलाइनर में सबसे अच्छा आईलाइनर है और इसकी रेंज के अकॉर्डिंग, प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये भी 250 से 300 के बीच में आपको मिल जाएगा आराम से, किसी भी आपको ऑनलाइन या फिर लोकल मार्केट में ईजीली मिल जाएगा और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। पैकेजिंग वाइज काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा आईलाइनर है। अगर इन तीनों में से जो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ वो यही वाला आईलाइनर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी लंबे समय तक ये चलता है। बाकी ये वाला जो मेबलिन का हाइपर ग्लॉस, ये ज़्यादा टाइम तक आपकी आंखों में नहीं टिकता, ये अराउंड 3-4 hours आपकी आंख में ये लगा रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी जो आपका एलेटीन वाला है ये अराउंड आपका 2-3 hours तक आराम से रहेगा, इसके बाद ये फेड आउट होना स्टार्ट हो जाता है। बाकी बट ये आपका जो कोलोसल का बोल्ड आईलाइनर है ये आपका अराउंड 5-6 hours ये आपका आराम से आपकी आईज़ पे एज इट इज़ रहता है, इसको आपको बार बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टाइम तक ये लगा रहता है और इनफैक्ट ये स्मज प्रूफ भी है, ये जल्दी स्मज भी नहीं होता है। बाकी मैंने आपको जितने भी आईलाइनर बताए हैं मैं आपको सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपको कोई भी अगर परचेज करना हो तो आप डायरेक्टली लिंक में जाके उसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।